तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RACET के एग्जाम में आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं बताइए। तो हम इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यह बहुत महंगी होती है, ए और बी दोनों ही सही है, या कोई भी नहीं। तो हम बात करते हैं कैश मेमोरी जो सबसे बड़ी महंगी होती है और वो बहुत ही कम स्टोरेज की कैपेसिटी ऑक्यूपाई करती है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये बार बार यूज में आने वाली मेमोरी होती है जो रैम से बार बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने का काम जिस मेमोरी को होता है उसका नाम है डायनेमिक रैम। ये प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो हमारी सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट इंक का करवाए। जैसे पहले जो टाइपराइटर थे वो वाले प्रिंटर हो गए, वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, जो कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैनर और पढ़ता है। तो ये काम होता है एक OMR का। OMR क्या करता है कि आप अगर पेंसिल से कुछ भी कागज़ पर लिखोगे तो उसे स्कैन कर सकता है और उसे पढ़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, ये सही बात है। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है जिसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है। मतलब ट्रैक बॉल एक माउस ही है जिसमें जो बॉल होगी वो टॉप पर होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। अब बढ़ते हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है, जॉयस्टिक इज ए गेम कंट्रोलिंग डिवाइस। हाँ, हम गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वो है स्कैनर इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मतलब स्कैनर का इस्तेमाल दस्तावेज को प्रिंट करने में किया जाता है। नहीं, स्कैनर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना हो तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। तो हमारा डी स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। कि कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है, रैम, रोम, पीरोम या इपीरोम। तो हमारा करेक्ट आंसर है, रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका डेटा हमारे जब तक लाइट चलती रहेगी तब तक तो डेटा स्टोर रहेगा, और जैसे ही लाइट चली गई तो हमारा डेटा नष्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, मेमोरी कैपेसिटी, हार्ड डिस्क एंड उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में जब हम चेक करते हैं तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन भी पता करते हैं, मेमोरी कैपेसिटी भी पता करते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में भी पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में आती तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है जो टोनर का उपयोग करता है, वो होता है लेजर प्रिंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या वो स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है। हाँ, ये हमारा एक करेक्ट आंसर है कि कंप्यूटर कीबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब हम इसके ऑप्शन के बारे में चेक कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें दोनों ही दो स्टेटमेंट को सही बताया गया, वो ऑप्शन है हमारा डी।
तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। बार बार इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए रैम से जो मेमोरी यूज होती है वो मेमोरी होती है कैसे मेमोरी। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, कैसे मेमोरी होती है जो रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, DPI का विस्तृत रूप क्या है। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंचेज। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MIDI का पूरा नाम क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि MIDI होता क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप कनेक्ट करना चाहो अपने सिस्टम में तो आप MIDI को यूज करोगे। तो MIDI का पूरा नाम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट पैनल मॉनिटर का प्रकार है। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं। जिनकी साइज बहुत ही पतली होती है उन्हें हम फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है, जिसके अंदर हम LCD एंड LED इन दो कैटेगराइज वाले जो मॉनिटर होते हैं उनको हम फ्लैट पैनल मॉनिटर के रूप में जान सकते हैं। और CRT जो मॉनिटर होते हैं उनकी साइज बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है तो इसलिए वो फ्लैट पैनल मॉनिटर में नहीं आते। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए एंड सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डॉट्स के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है डॉट पिच। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर का कौन सा टाइप है, वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। जो होते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर के टाइप्स होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। तो आज हमने चैप्टर 2 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जो RSAT के एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।